नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार सिजीवाल में। मनीष जायसवाल मौजूद हूँ बिलासपुर में। जब शिक्षक नेता और शिक्षक मिलते हैं तो कहीं ना कहीं मुद्दे उठते हैं, और इन मुद्दों में आज एक मुद्दा आया है शिक्षकों के ट्रांसफर का। जैसा कि आपको मालूम है कि शिक्षकों का ट्रांसफर आज राज्य में एक सबसे बड़ी समस्या है। लगभग 180,000 सिर्फ LB संवर्ग के शिक्षक है, इसके अलावा नियमित शिक्षक के संवर्ग है, और भी अभी नई भर्ती पदोन्नतियाँ हुई वो भी शिक्षक हैं। इसमें से अधिकांश महिला शिक्षक ऐसी हैं कि जिनका विवाह हो चुका है और आज भी अपने मायके क्षेत्र में हैं। ट्रांसफर नीति जो आई थी पूर्व सरकार भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में आई थी, लेकिन उसका लाभ सभी को नहीं मिल पाया। सहायक शिक्षकों को तो विशेषकर लाभ नहीं मिला। ये ट्रांसफर नीति की वकालत शिक्षक नेता बीते कई दिनों से कर रहे हैं। सिर्फ ट्रांसफर नीति के बारे में बताएं और ये ट्रांसफर नीति कैसी होनी चाहिए और क्यों अटकी हुई है अभी तक? ये तो समझ से परे है, और शिक्षक संवर्ग जो है इससे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है। बहुत लंबे समय से सब अपने ट्रांसफर की बाट जोड़ रहे हैं। पहले भी इसके लिए आवेदन दिया जा चुका है, कई बार आवेदन दिए हैं, नेताओं के पास जाके आवेदन दिए हैं, अधिकारियों के पास गए हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई लाभ नहीं मिला है। खासकर महिलाएं, विकलांग और ऐसे लोग जो सक्षम नहीं हैं, वो भी आज अपने घरों से दूर रह करके नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। तो इसमें स्थानांतरण नीति में कुछ तो ऐसा करना चाहिए। अभी जो हम लोग देखते हैं कि एक एक लोगों का ट्रांसफ़र हो जाता है समन्वय समिति से, लेकिन जो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं इनका ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है। तो मैं सरकार से आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि इस स्थानांतरण नीति में ढिलाई दी जाए, इसको ऐसा किया जाए कम से कम म्यूचुअल ट्रांसफ़र का इसमें प्रावधान किया जाए, जो कि जल्द से जल्द हो जाए, और जो हमारे असक्षम भाई हैं इनके लिए तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थानांतरण नीति को लागू किया जाना चाहिए। बसंत जी, आप लोग तो काफ़ी पुराने शिक्षक हैं, बहुत सेवा में दे रहे हैं। पंचायत विभाग के समय भी ट्रांसफ़र हुए हैं, एक जिला पंचायत से दूसरे जिला पंचायत में जब आप शिक्षाकर्मी हुआ करते थे। पिछली सरकार में भी कुछ ट्रांसफ़र हुए हैं। क्या होना चाहिए शिक्षकों के लिए, और सरकारें ऐसा क्यों नहीं कर रही, और क्या इससे आप लोग को जो आपके शिक्षक साथी है क्या समस्याएं देख रहे हैं? देखिए, स्थानांतरण एक ऐसा विषय है जो लगभग हर विभागों में होता है, और स्थानांतरण के संबंध में शिक्षक जो है वो बहुत ही ज़्यादा यातना झेल रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा चाहे गाहे बगाहे रूप में समन्वय समिति के रूप में हो, जो अब वो चहेते लोग कहें या किस प्रकार के लोग हैं, ऐसे साथियों का तो ट्रांसफ़र समन्वय समिति के माध्यम से कर दिया जा रहा है, जो गिनती के 1, 2, 4, 5, 10 लोग होंगे। लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में जो विगत 15 वर्षों से 20 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, और इनके अलावा जैसे आपने बताया कि महिला हैं जो मायके में ही शुरू से पदस्थ हैं, जो अपने ससुराल आना चाहती हैं, उनको भी इनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो जिस प्रकार से इसी छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग के द्वारा एक नियम है कि 7 वर्ष अगर अनुसूचित क्षेत्र में वो कार्य कर चुका है तो 7 वर्ष पश्चात उसको स्थानांतरण मिल जाता है, तो इसी प्रकार का नियम अनुसूचित क्षेत्र में जो 5 साल कार्य कर चुके हैं या 7 साल की क्राइटेरिया जो भी बनाना चाहे सरकार, वो बना दे कि इतने साल अगर जिन्होंने कार्य कर चुका है उनको स्थानांतरण का लाभ दिया जाए। इससे स्थानांतरण नहीं होने से बहुत प्रकार की समस्याएं कर्मचारियों को और खासकर LB संवर्ग को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो अपने घर के एकलौते हैं, अर्थात एक ही उनका पालन करता है, और माता पिता बूढ़े हो चुके हैं, जिनके कारण वो अपने माता पिता के सेवा से भी वंचित हैं। वो रह रहे हैं 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर की दूरी में रह रहे हैं। आकस्मिक रूप से उनके माता पिता के ऊपर किसी भी प्रकार की आपत्ति विपत्ति आती है तो वो उस समय नहीं पहुंच पाते जिस समय उनको अपने पुत्र की आवश्यकता है या पुत्री की आवश्यकता है। तो इनको भी ध्यान में रखते हुए सरकार को इस संवेदनशील मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए, क्योंकि स्थानांतरण बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि किन्हीं परिस्थितियों के वश
किन्हीं ने अनुसूचित क्षेत्र में सेवा देना प्रारंभ किया तो कई 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर जाकर भी सेवा देना प्रारंभ किया है। तो उन्होंने जब सेवा देना प्रारंभ किया है तो उनके लिए निर्धारित कर दिया जाए 5 साल 7 साल जो भी सरकार चाहे उसके बाद उनको स्थानांतरण का लाभ मिलना चाहिए, जिनसे कि वे भी अपनी सामाजिक दायित्व पारिवारिक दायित्व का निर्वहन भली भांति कर सके। तो मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि एक शिक्षक संगठनों के साथ या सरकार अपना चाहे तो शिक्षक या एलबी सवर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण नीति शीघ्र से शीघ्र जारी करें और म्यूचुअल स्थानांतरण और गंभीर रूप से जिनके माता पिता गंभीर रूप से बीमार है जिनके पालनकर्ता नहीं है ऐसे कुछ दायरे बनाकर स्थानांतरण की प्रक्रिया चालू करनी कर दी जानी चाहिए, जिनसे कि समस्त एलबी संवर्ग के जो जिनको आवश्यकता है वो स्थानांतरण प्राप्त कर सके और अपनी सामाजिक पारिवारिक और स्कूल का भी दायित्व, क्योंकि समाज और परिवार के दायित्व के साथ साथ ही शाला का दायित्व जुड़ा हुआ है। अगर शिक्षक अपने परिवार अपने समाज के लिए चिंतित है, माता पिता के लिए चिंतित है, 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर रह के वो कार्य कर रही है तो उनका कहीं ना कहीं उनका जो ध्यान है वो बढ़ता है और वो उनका आधा ध्यान अपने माता पिता की ओर है तो आधा शाला की ओर, तो पूर्ण रूप से शाला में अपना मानसिक रूप से अपनी उपस्थिति नहीं दे पाता। इनको भी ध्यान में रखते हुए सरकार को इस पर स्थानांतरण की नीति शीघ्र बनाना चाहिए और उस पर अमल करते हुए शीघ्र इसको लागू किया जाना चाहिए। शिक्षक नेता बसंत कौशिक बहुत अच्छे वक्ता है, लगभग इन्होंने सारी बात बता दी। शिक्षकों का जो ट्रांसफर नीति है उसको लेकर अभी तक कोई स्पेशल क्राइटेरिया नहीं बनाया गया है। आज भी जो 2008 से 2007 से 1998 से कई क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्रों में सेवा दे रहे हैं, दूर दराज में सेवा दे रहे हैं, स्वैच्छिक स्थानांतरण लेना नहीं चाहते क्योंकि उनकी सीनियरिटी खत्म हो जाती है और इसलिए चाहते हैं कि सरकार कुछ ऐसे नियम बनाए प्रशासनिक इनका स्थानांतरण कर दे। अभी हाल फिलहाल में इक्का दुक्का ट्रांसफर शिक्षकों के ट्रांसफर आ रहे हैं, होंगे कोई खास या महत्वपूर्ण लोग होंगे उनके आ रहे, इस ट्रांसफर के आने से कहीं ना कहीं शिक्षकों के मन में सरकार के प्रति आक्रोश दिखाई दे रहा है। आम और खास का फर्क यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है, खास लोग के ट्रांसफर हो जा रहे हैं, आम लोग आज भी वैसे के वैसे ही हैं। शिक्षक नेता ट्रांसफर नीति की वकालत कर चुके हैं और ये ट्रांसफर नीति आनी चाहिए ताकि जो सालों से एक ही क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं उनको अपने घर परिवार के पास आने का अवसर मिले। आज स्थिति ये है कि जो 2008 और 2010 के बाद इस शिक्षा व्यवस्था में आया शिक्षा कर्मी बने, आज उनकी एक पीढ़ी लगभग तैयार होने को है और वो पीढ़ी आज भी उसी अनुसूचित क्षेत्र में है। अब ये चाह रहे हैं कि कम से कम अपने गृह क्षेत्र में आ जाएं और उस गृह क्षेत्र में आने के बाद कम से कम अब परिवार को समय दें। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अधिकांश महिलाएं जो हैं आज अगर जो संतान पालन अवकाश लेती है तो उस लेने के पीछे ये अवकाश क्यों लेती है कोई समझ नहीं पाया और इस अवकाश लेने के पीछे इनकी स्थानांतरण नीति भी है कि इनको इनके परिवार के दायित्वों का भी है। सरकार जब महिलाएं जब नौकरी में आई थी उस दौरान इनका विवाह नहीं हुआ था लेकिन विवाह के बाद आज भी वही अटकी हुई है। पूर्व की सरकार कार्यकाल के दौरान भी ट्रांसफर हुए लेकिन जिस हिसाब से होने चाहिए थे उस हिसाब से ट्रांसफर नहीं हुए। म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए कोई सरकार को कोई बहुत बड़ा नियम कायदा बनाने की जरूरत नहीं है, म्यूचुअल ट्रांसफर साल भर हो सकते हैं और म्यूचुअल के लिए सरकार को दौड़ भागने भी नहीं करना पड़ेगा, शिक्षक स्वयं ही म्यूचुअल अपना खोज लेंगे। लेकिन ऐसा फिलहाल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि यह सुशासन की सरकार विष्णुदेव साय की सरकार है, इन्होंने ही इनका संविलियन किया है, इन्होंने ही सवारा है, यही बनाएंगे तो उम्मीद करते हैं कि सरकार इनकी जो एक मांग है ट्रांसफर नीति होनी चाहिए, म्यूचुअल ट्रांसफर होनी चाहिए, उस पर संज्ञान लेगी। फिलहाल आज बस इतना ही, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सिजीवाल से मनीष जसवाल की रिपोर्ट, धन्यवाद।